Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. Uh, it's a privilege for us to have a man of God who has been experienced in the Word and winning souls, and especially who has a testimony of all what God has done in his life. So we are so thankful and privileged to have him in Sri Lanka. And we're going to have a little uh, talk show. We're going we're to just talk about. The love of Jesus. We're going to talk about what the Bible can do for a person's life, what the Spirit of God can do in a person's life. So, this program will be called, I believe, What the Word of God Can Do in Your Life and Change Your Life and Bring You into a Position Where God Can Fulfill His Plan in Your Life. Heavenly Father, we thank you for this blessed time. In Jesus' name, Amen. Here is Pastor Dinesh Chawla. Thank you for coming for this show. Thank you, pastor. and uh, we are so privileged to have you in sri lanka. it was a casual visit, but then we're going to have thank something you. that the lord has uh, done in your life. Amen. so, pastor dinesh, just tell us how your experience is with the lord and what made you accept jesus christ as lord of your life? and what was the, what was the most important thing that you experienced in your life? Uh, thank you, pastor. Uh, you welcome me. thank you so much. Th i'm thankful to you and your family. And uh, it's all glory to God. It was yeah. not our plan. Yes. But, uh, I don't know how uh, God put in your mind, in yeah. your heart, that we should go for this talk show. Yeah. And really, it was not my plan to come to Jesus because I never knew Jesus. As you know, Sindhis, you know, we, mm. we were in the, uh, in the world fully involved. And I was a idol worshiper. Mm. I was going to temple and w was doing all the pujas and all my puja kartatha. Mm. लेकिन मेरी लाइफ में, में फ्रूट्स नहीं था देर वज़ नो फ्रूट्स इन माई लाइफ पास्टर मनु आई एम थैंकफुल टू यू एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जब मसी में नहीं था मेरा कोई प्लान नहीं था इट वॉज़ नॉट माई प्लान बट जीजस ने मुझे ढूंढा या जैसा वचन में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है Amen. उसी तरह से मैं अपनी लाइफ में चल रहा था और मेरे जीवन में कोई फल फ्रूट नहीं था मैं शराब पीता था डिस्को uh, जाता था और बुरी आदतें मेरे अंदर थी साथ ही साथ मैं सुबह बहुत पूजा पाठ करता था लेकिन एक बार मेरी वाइफ और सॉरी मेरी कज़न सिस्टर जब बीमार थी तो उसको दे माय आंटी यूज टू ब्रिंग हर टू वन बाबा एंड ही वाज डूइंग सम ब्लैक मैजिक ऑन हर एंड आई वाज मैं उनका एक खास चेला था वहाँ पर खड़ा रहता था सो दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर थ्री एंड हाफ ईयर्स ओके माई आंटी एवरी वीक शी वॉज कमिंग विथ हर डॉटर एंड जब वो मेरी कजिन को मंत्र करते थे पूजा करते थे तो बहुत उसको पावर आती थी हम लोग तीन चार लोग उसको पकड़ नहीं सकते थे और ये सब चल रहा था साढ़े तीन साल तक और सडनली दे स्टॉप कमिंग फॉर टू मंथ्स सो आई विजिटेड देयर हाउस आई आस माय आंटी वाई यूर नॉट कमिंग तो मेरी आंटी ने कहा कि सोनी इज़ ऑल राइट नाउ आई वॉज सरप्राइज आई आस हाउ देन शी सेड के हमारे बाजू में क्रिश्चन लोग रहते हैं उन्होंने कहा आ, आप प्रेयर कराओ सो आई माई आंटी आज देम हाउ मच फॉर प्रेयर दे सेड नो प्रेयर इज़ फ्री यू जस्ट बिलीव सो आंटी आज देम टू कम एंड प्रे एक प्रार्थना में उसको चालीस टका फोर्टी परसेंट रिलीफ महसूस हुआ देन अगेन दे वेंट फॉर सेकेंड प्रेयर ऑन सेकेंड संडे थर्ड संडे शी वॉज ऑल राइट सो शी टोल्ड मी द स्टोरी बट आई गॉट एंग्री मैं बोला तू पागल है दे mm. people पीपल दे वॉन्ट टू कन्वर्ट पीपल दे वॉन्ट टू फोर्स पीपल दे वॉन्ट टू उन्होंने अपना धर्म को बढ़ाना चाहते हैं पूरी mm. दुनिया में uh, why you call them देम uh, But but same time में जो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी आई वॉज शॉकड कैसे हो गया ये हमारा साढ़े तीन साल से इतना सब किया ठीक नहीं हो रहा है mm. लेकिन ये प्रेयर में थ्री प्रेयर्स में आई हा सर कुछ mm. कुछ दिया क्या उन्होंने खाने को दिया नारियल दिया mm. लींबू दिया शी से नथिंग देखिए ओनली mm. दे प्रे

उसने मुझे एक बात बोली बोला ब्रदर बुरा मत मानना गॉड कितने सुप्रीम पावर कितने हैं तो मैंने उनको बोला कि सुप्रीम पावर एक ही है गॉड एक ही है दुनिया बनाने वाले एक ही है तो आ, उन्होंने बोला फिर तुम इतना गॉड में क्यों जाता है एक गॉड पकड़ो ना कोई भी आई सर ओके सो मैं मैंने बोला यू वॉट यू वॉन्ट टू टेल मी यू टेल मी नाउ तो जी ही शेयड मी द गॉस्पल ही शेड मैं जो आज तुमको बताऊंगा ना पांच चीज़ें अगर तुमने विश्वास किया ना तो तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा if you believe these things, whatever i'm sharing today, he told mm. me, your life will be changed. Mm. i said, okay. he said, you believe in one god. i said, one god is there, supreme power. Mm. and he said, uh, jesus christ is the son of god, that son mm. of god. Mm. because in bible there is no verse that says that there is a religion, yes. god made. Mm. सो गॉड मेड ह्यूमन बींग सो यश्यू आए जीजस क्राइस्ट सबके सेलब्रेशन के लिए आया वो क्रूज पे मारा गया गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ और आज भी जिंदा प्रभु है जो सबसे प्यार करता है ही लव्ज यू ये मुझे गॉस्पल देकर वो जो चले गए देन आई वेंट देयर आई कट शोर द स्टोरी आई वेंट टू द प्रेयर हाउस but i couldn't understand anything mm. but slowly slowly when i started reading bible that changes my life and I, and the day i got baptized that day mm. itself i automatically my drinking habit gone mm. all uh, dance bar habit gone and mm. all the thank you. God. now we are praying for people, praying for people and really humbodishasita. it's great. No? Yeah. i mean, this is the power of prayer. Yeah, and it's the yeah. power of prayer. it's the power of god's word, believing god's word. Yeah, and there was no payment that was made. Huh? no, your sister didn't have to make any payment. that was a good thing. you, you, you suspected that she, she was given some money and then probably converted or something like that. but that no. was not. or no, even no. the prayer was not made with payment. No, no. It was a free gift nothing, of God. Nothing. Healing was a free gift of God. Yes, that's how great it is. I mean, God can do wonders, and as we see in the scriptures and Pastor Dinesh Chawla, uh, in his life we find that uh, his bad habits were destroyed over uh, uh, over a, a short period of life. Just by believing in the power of god and if we can believe in the power of god how many things could happen to us healing deliverance from demon powers and all good things can happen so pastor shaw tell me something more about how when you start ministering to people with this testimony that you have you start ministering to people and what are the, what are the lives uh, how did you see the changes that takes place in their lives

Mm. मेरे जीवन को ब्लेस किया प्रभु ने मुझे आशीष किया और आज सबसे like mm. 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 सब बड़ा इंपॉर्टेंट देर वॉज नो बिफोर बट नाउ परफेक्ट मैन हमें सोल्स को बचाना है प्रभु का मिशन mm. जो यीशु चाहता था कि सबको सुसमाचार पहुंचाएं गोश वही काम आप श्रीलंका में कर रहे हैं हम इंडिया में कर रहे हैं You spoke, to, you spoke to me about 25,000 testimonies that you have in writing yeah. by people, and just share a few of those testimonies of what the Lord has done in the lives of people. Without making any payment to them, uh -huh. they've had a genuine life change.. Yeah. We have a system in, in our church. I, it yes. was not a plan for us yes. to open a church. Yeah. I never knew, our brothers, we never knew what is mm. the church system, wha, what we do. Mm. But this was God's plan that we should pray mm. each, uh, uh, in, uh, together in a group, mm. fellowship. Then God gave us a small hall mm. and we started praying and people started coming there. or people started uh, like 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 And they Whenever mm. we pray for somebody, mm. they, they are getting healing, they, they are getting uh, blessings from mm. God. So aisa karke, they, they started coming and they share karte, testimony. Mm. So uh, it was not from beginning, but 2011, uh, myself and my wife told one sister in our church, mm. uh, Sister Vishaka, mm. she's, she's a very good teacher mm. and very humble family. Mm. So I, we, we tell her to just write roughly and go in the house and you make it fair. Yeah. Now she started from 2011 December mm. till today she filled up the 67 registered mm. 200 pages 200 pages and every page one two three uh, testimonies. Mm. you can calculate 67 mm. into two average mm. how much it's coming yeah so uh, by God's grace uh, and there are so many papers extra people give writing they mm. don't come on the mm. uh, on the dice but they give in the writing. So like that we found that around 20 to 25000 testimonies oh. we have in writing तो बहुत बड़ा चमत्कार है है mm. सब प्रभु करता है। हमारा कोई mm. दम नहीं है हम किसी को कोई चमत्कार नहीं कर सकता है mm. हम किसी का कोई भी तकलीफ नहीं उतार सकता mm. लेकिन जीसस का काम है हम जब प्रेयर करते, करते हैं प्रभु चंगा करते है। प्रभु right. करता है उसका तो ऐसा सबको नहीं होता कोई बोलेगा मेरे को ऐसा ही चंगा करो नहीं हो सकता उसको जब तक विश्वास नहीं होगा वो नहीं हो सकता चेंज a heart yeah. a life and bring somebody to Christ and bring healing into the person or, yeah. or it's not black black, black magic power no, but yeah. it is the power of God yeah. a heavenly yeah. heavenly power you know the bible says uh, there is no other name that is given about mm -hmm. there's no other name that is given except for the name mm -hmm. which has come from heaven yeah. and the name of Jesus that can save people Correct. we have many names like doing good works charity and good I mean we can all call those are good things, those are not bad things. Correct. But what is the speciality in the name of Jesus Christ? See, the name of Jesus is above all names. Okay. And there's there are two powers in this world. Okay. One is God's power, one yeah. is devil's power. Mm. And this all black magic and all this evil works, mm. evil people, this all from devil. Hmm. And the most interesting thing is mm. devil is only scared of Jesus' name. Mm. ही इज़ नॉट ए स्केडफनी बडी किसी से वो डरता शैतन। नहीं शैतान शैतान किसी के बाप से नहीं डरता केवल जीजस से डरता है जीजस का नाम लेते हैं वो डरता है और हमने अपनी आंखों से देखा है मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ मैं इंजीनियर हूँ सिविल इंजीनियर मैंने कभी ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं था लेकिन मैंने अपनी कजिन को देखा था तड़पते हुए फिर मुझे थोड़ा बिलीव हुआ लेकिन आज मैं जीजस में आने के बाद मैं हजारों लोगों को देखा हूँ दुष्टात्मा आप देख सकते हैं ऑनलाइन कितने प्रोग्राम्स चलते हैं लोग कैसे जब प्रेयर होती है उनके अंदर से भूत नाचता है hmm. हमने देखे सो मनी प्रोग्राम स्टेज एंड पास्टर इज ऑन द स्टेज ओनली पीपल स्टार्ट डांसिंग है ना जिनको आत्मा yeah. रहता, hmm. रहता है इविल पावर रहता है तो वो hmm. नाचना शुरू करते हैं और वो रिलीफ मिलता है उनको आशीष मिलती है ऐसे मैंने भी बहुत लोगों को देखा वेन वी प्रे इन द नेम ऑफ जीजस हमने देखा है दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से बाहर जाती हैं शरीर से बाहर जाती हैं और वो फ्री हो जाते हैं और ये किससे हमने बाइबल में भी पढ़े हैं Mm -hmm. और हमने देखा कि जब भी जीसस ने उनको आशीष किया चंगा uh, प्रेयर किया जब उनको जीसस ने टच किया mm -hmm. जब जीसस ने उनके जीवन में आया उनके जीवन से आशीष हुई सो द नेम ऑफ जीसस वी आर टॉक अबाउट द नेम ऑफ जीसस व्हाट did जीसस डू व्हेन ही केम डाउन टू अर्थ ही 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 मैनिफेस्टेड द पावर ऑफ गॉड फॉर 3 1/2 इयर्स एंड व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ द मैन क्राइस्ट जीसस who died for us on the cross what was the purpose behind the whole thing and how did he get the greatest name so that we could use that name and deliver people see a uh, uh, wonderful que question pastor uh, uh, nice uh, see jesus never came for any religion okay uh, people think that uh, if you believe in jesus christ you are a christian mm of course we are christian by following jesus that's right. we are follower of jesus that's mm. why we are christian yeah. but we are not uh, related to means not, not uh, forcefully converted or in belong to any religion mm. because uh, god never made any religion mm. it is mm. mentioned in the bible and jesus also son of god he never came for any religion he religion why जीसस क्यों आया इस दुनिया में वो हमको सेव करने के लिए आया। हमारे अंदर जो ब्लड में पाप है वो पाप को कोई धो नहीं सकता right. केवल ये मसीह का ब्लड दो सकता। right. क्यों धो सकता है क्योंकि जीसस का ब्लड जो है ना वो पवित्र है होली है एग्जैक्टली exactly. और वो इस दुनिया में हम सबके सजा लेने के लिए क्रूस पर मारा गया और उसने हमारे सजा को लिया वो हमारे जगह पर मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है इसलिए हम बच जाते हैं hmm. जो विश्वास करता है रोमन थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव में लिखा हुआ है जो जीसस पर विश्वास करेगा प्रभु ने ऐसा सिस्टम बनाया बाय फेथ hmm. हम लोग यीशु पर विश्वास करने से ब्लड पे विश्वास करने से हमारा ब्लड क्लीन होगा ये विश्वास की बात है ये hmm. सुनने में नहीं समझ में आएगा इट विल टेक सम टाइम अगर आप नए भाई बहन है जो पहली बार सुन रहे हैं ना आपको ये बात समझ में नहीं आएगा लेकिन मेरी एडवाइस है आप थोड़ा टाइम यीशु के वचन को सुनो जस्ट अटेंड डोंट फॉलो मैं बोलूंगा आप यीशु के पीछे मत चलो मैं पहले दिन से बोलूंगा लेकिन यीशु की बातें सुनो समझो कुछ टाइम लगेगा क्यों टाइम लगेगा क्योंकि दुनिया का सिस्टम और जीसस का सिस्टम बाइबल का सिस्टम टोटल अलग है mm. तो आपको थोड़ा दो तीन महीना लगेगा इट विल टेक टू थ्री मंथ्स टू अंडरस्टैंड देन यू विल डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग जस्ट लाइक द बाइबल टेन सेवनटीन फेथ कम्स By hearing the word of God. Correct. As you say, correct. keep listening to the word. Yeah, correct. Keep listening to what he has done. Right. So, Jesus took our curse. Mm -hmm. Jesus took our penalty right. on the cross. Right, Pastor. And through his blood, yes. man can be saved. Amen. Man can be delivered. Yes. And uh, what else do we find in the scriptures? Now, when we say Jesus died for us 2,000 years ago, mm. 2,000 years ago, a man died for us, and how can it affect me now? After two thousand years later, yeah. how can that power work uh, in my life? Yeah, uh, yeah, good question, Basa. See, I, I was thinking this point. Yes. Now, the answer for this is, you know, uh, you know, I believe, and I, it's it's true. Mm. Of course, you.

पीछे जाके टू थाउजेंड अगो हम जाएंगे hmm. जहां पर जीजस थे बाइबल से यशू सभी के लिए मरा hmm. और जितनी जनरेशन सब है उसके लिए यीशु मसीह मर चुका है ये विश्वास की बात है hmm. जो विश्वास करेगा डेफिनेटली उसका उद्धार होगा It's a matter of faith. faith yeah. It's a matter of believing. Yes. It's a matter of saying, Yes, 2000 years ago, a man called Jesus mm. died for me, mm. and today I have life because of the blood of Jesus Christ. Yeah, yeah. People that, can check, practically, yeah. they can see. Yeah. Because now, that's why we, uh, we have the system of testimony. Okay. There are are of Of testimony. Of course, your church also. So hmm. So, many testimony. Yes. And you are the test witness. Yes. तो वैसे हमारी witness हमारी गवाही तैयार होती है और ये गवाह तैयार करता है और हमने लाखों गवाहों को हम देखते हैं इसलिए जब तक आपको हमारी विश्वास नहीं करना आप न्यू है ना भाई हमारी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना आप जब तक खुद विटनेस नहीं बनते ना तब तक आप सिर्फ विजय का वचन सुनो खाली वो क्या बोल रहा है जस्ट चेक थोड़े दिनों के बाद में आप खुद विटनेस हो जाओगे पॉवर ऑफ गॉड केम इंड आई वॉज सेट फ्री फ्रॉम एल्कोहल पॉल ऑफ गॉड केम इन टू लाइफ एंड माई होल लाइफ चेंज and uh, that has brought a new life into us. And, and what is the newness that we see that Christ has done in our lives and what has happened to our body now, what has happened to our mind, what has happened to our spirit? Yeah, yeah, good question. See, I am same Dinesh, Okay. like 35 years ago, right? okay. uh, 40 years ago. Same Dinesh was going to pubs, discos, and all mm. everything rubbish things. I was. Okay. Doing. But now I'm so, also i same Dinesh. Yes. But Bible says, Romans uh, chapter eight. Mm. It says when Jesus came in our life, no, our, our, our my spirit changes. Yeah. Then spirit gets strong when we eat the word of God. Right. Right. Like pizza, dosa is the food of the food for body, physical mm. body. Mm. But the word of God, the vachan hai, wo body ka khana hai, oh, atma ka khana mm. hai. So atma jitna strong huka, आप जितना बाइबल सुनेगा वचन खाएगा उतना आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग स्प्रिट स्ट्रांग होगा आत्मा स्ट्रांग होगा और वो स्ट्रांग आत्मा अभी आपके शरीर को कंट्रोल करेगा मेरा बॉडी सेम है दिनेश है लेकिन अभी क्यों दारू नहीं पीता अभी फ्लाइट में दारू फ्री है जितना पैग मांगो देता है लेकिन अभी दारू क्यों नहीं पीता क्योंकि अभी स्ट्रांग आत्मा स्ट्रांग है और आत्मा शरीर को बरोबर बैलेंस करता है पहले आत्मा स्ट्रांग नहीं था नहीं। पहले आत्मा कमजोर था आत्मा मरा हुआ था एफिशियंट टू में लिखा हुआ है आत्मा वापस जिंदा हुआ है यीशु के कारण है ना लिखा है यीशु ने तुम्हें जिंदा किया है जो तुम अपने पापों में मरे हुए थे हल्ला सो so, ये एक सिस्टम है यीशु में आने के बाद ही एक्सपीरियंस होगा जब आप विश्वास करेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज है और जितने विश्वासी बिलीवर्स पास्टर्स देख रहे हैं यू you नो know हम लोग क्या बोलना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आप अपने कॉन्ग्रीगेशन को अपने लोगों को एंकरेज करो क्योंकि जीजस के आने का समय आ गया है। आप सुन रहे हैं लड़ाइयाँ हो रही हैं वर्ल्ड वॉर की बातें सुन रहे हैं है ना लेकिन ये सब स्टार्टिंग है चिन्ह है कि यीशु मसीह आना चाहता है आने वाला है तो आप तैयार रहिए सिर्फ एक दूसरे को संभालिए होल्ड ऑन एक दूसरे को टेक केयर कीजिए mm -hmm. बने रहिए यीशु मसीह में ताकि हम यीशु मसीह के आने तक विश्वास में बने रहें यस ओके नाउ वी प्रे फॉर सम पीपल एंड समटाइम्स दे गेट हील्ड इमीडिएटली समटाइम्स दे डोंट गेट हील्ड इमीडिएटली व्हाट इज द एडवाइस वी कैन गिव देम और दे डोंट गेट डिलीवर्ड इमीडिएटली नाउ यू गॉट डिलीवर्ड इमीडिएटली फ्रॉम अल्कोहल एल्कोहल यू आर सेट फ्री और सम पीपल क्या करू दारू छोड़ता ही नहीं मेरे को hmm. दारू का बोटल मेरे को छोड़ता ही नहीं है सो पास्टर वॉज वेरी स्मार्ट लाइक यू सो यूं उन्होंने एक पेड़ को पकड़ा hmm. ट्री yeah. he, uh, <laughs> को ट्री बचाओ 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 मेरे को छोड़ नहीं रहा पेड़ छोड़ नहीं रहा प्लीज सेविंग So that man was surprised. He mm. said, just take round. Mm. oh pasta pastor, what are you are making fool of me. This पेड़ ने तुमको नहीं पकड़ा तुम पेड़ को पकड़ा है <laughs> बोलता है बेटा मैं भी तुमको वही सिखा रहा हूँ तुमने बोतल को नहीं पकड़ा बोतल ने तुमको नहीं पकड़ा तुम, right. तुम बोतल को पकड़ के बैठा है सो <laughs> so, लोगों को दारू पीना मंगता है इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहते अगर हमारा विल होगा सी गॉड सिस्टम इज अ फ्री विल सिस्टम सिस्टम फ्री विल विल गॉड नेवर फोर्स यू सी मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ पास्टर जी सी गॉड नहीं चाहता दारू पिए कोई भी यू नो अवर विल इज नोबडी शुड ड्रिंक देन वाई सो मेनी बार्स आर ओपनिंग डेली Why so many beer shops are opening? Mm. God can destroy them, हम अपनी मर्जी से छोड़ने का कोशिश करें mm. अगर हमारा फ्री विल जब तक नहीं है ना तब तक गॉड भी कुछ नहीं कर सकता mm. ऐसा हमने मैंने जब मैं मैं मसीह में नहीं था तो ऐसा सब बोलते थे कि सब लिखा हुआ है नसीब में सब लिखा रहता है जो गॉड ने सब लिख के रखा है आई डोंट बिलीव दिस नाउ पहले बिलीव करता था कैसे देखो अभी अगर सौ लोग जब मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा जजमेंट के लिए mm. तो सौ लोगों में से सपोज पचास को गॉड बोलेगा तुम लोग स्वर्ग में जाओ यू डिड वेरी गुड थिंग्स पचास को बोलेगा आप नरक में जाओ mm. तो वो नरक में जाने वाला क्या बोलेगा उसको mm. बोलेगा क्या गॉड हमारा गलती थोड़ी है तुम्हारा गलती है तुमने हमारा नसीब लिखा था गलत काम करो राइट राइट नवा तो फिर यह जज ये पार्शलिटी हो जाएगा गॉड नेवर राइट एनी बडी Hmm. वो हम खुद करता है अपनी मर्जी से अच्छा बुरा हम करता है इसलिए बाइबल जो है ना वो अच्छा ही सिखाता है hmm. अगर आप बाइबल पढ़ के कुछ अच्छा समझ में आता है उसको फॉलो करो hmm. जो नहीं समझ में आता उसको छोड़ दो पॉल कि तुम्हें जो अच्छा लगता है यू टेक इट जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दो hmm. तो आपको डिसाइड करना है कि क्या अच्छा है जब आपको अच्छा लगेगा आपको मन में प्रे करना है प्रभु मुझे ये अच्छा लग रहा है मुझे संभालो आपको प्रभु अच्छा करेगा आपकी फ्री विल सिस्टम काम करता है हाउ मेनी गुड थिंग्स must we do to receive forgiveness from God and salvation? How many good things we must do? Uh, no, we, we only believe. Yeah, faith, right? Exactly, yeah. yeah. I want to have that. Yeah. Because I believe many, many people think, I must do, I must do, yeah. do, do. I must keep the law. I, 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 must, I must not see bad things. I must not do this thing. But still they are struggling. Mm -hmm. with their own life and living condemned mm -hmm. in their hearts but when somebody comes to christ he becomes a free person yeah and when the son sets him free he's free indeed yeah. altogether उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा पास्टर जी yes. कि गलातियों की किताब पढ़े वो mm -hmm. गलातियों में बहुत अच्छा प्रभु ने सिखाया mm -hmm. कि वो लोग विश्वासी थे फिर वो वापस घूम के लौ में आ गए exactly इसलिए उसने उसको डांटा भी लिटरली चैप्टर 3 ही इज रेबुकिंग देम क्या तुम मूर्ख हो गए हो Hmm. तुमने वचन से चालू करके okay. फिर लॉ में जा रहे हो थ्री सो इस तरह से हमको समझना बहुत जरूरी है हमको प्रभु ने संभाला है और ग्रेस सबके लिए hmm. ग्रेस का मतलब ये कि यीशु ने किया हमको फायदा हो रहा है right. और मैं तो बोलूंगा हम सिंधी लोग हैं ना सिंधियों hmm. को फायदा चाहिए <laughs> है ना एवरीबॉडी सबको सिंधी हो मराठी हो का हो सबको फायदा चाहिए बेनिफिट चाहिए कोर्स हमको तो बेनिफिट फ्री है नो फीस यहाँ पे चर्च में आने के लिए भी फाइव थाउजेंड रुपीज है लेकिन आपको फ्री है फॉर फॉर टुडे ऑनवर्स नहीं पहले से पास्टर फ्री रखते हैं ना बिकॉज यू यू कैन पुट चार्जेस राइट यू सो मेनी एक्सपेंसेस बट यू यू गिव फ्री व्हाई व्हाई बिकॉज गॉड लव सबके लिए गॉस्पल फ्री है

लेकिन आज शुक्र है खुदा का कि हम प्रभु में हैं आनंदित हैं mm. इसलिए प्रभु के उस काम को मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं mm. जो उसने कहा कि तुम जाके सुसमाचार बताओ mm. हम सुसमाचार बताते हैं विश्वास करें या नहीं करें उनकी मर्जी है सो वेन यू सी एज यू से बुक ऑफ गैलेन आई लव दैट बुक बिकॉज इट इज सेपरेटिंग द लॉ एंड ग्रेस एंड इट इज आई मीन फॉलोइंग A, a nice word that he uses in, in Galatians 3, hmm. he says, who has bewitched you, or who has casted a spell on you, or who has played a black magic on you hmm. that you should not believe Jesus hmm. and go back to the law again? Yeah. That, that, that is a sad part of it. So yeah. it's by grace and by not grace. by works not that man not. is saved. Yeah. It's only by believing in Jesus Christ. Amen. And when we receive, the, when, we, when we believe Jesus as the son of God, mm -hmm. and he comes into our life. Mm -hmm. and, and the blessing that we have is, is the gift of God, is salvation, mm -hmm. and all the other gifts come into us. What is the first gift that we receive from God? Uh, By the Holy Spirit, or the uh, Holy Spirit himself. Uh, I believe yes. the Holy Spirit, gift it's a package. ज वेन होली स्प्रिट कमो कम अभी अभी हम लोग आपके घर में आया तो सामान पीछे नहीं रखा सब सामान साथ में लाया राइट सो ऑल बैग्स वी बिंग। एग्जैक्टली सेम वे होली स्प्रिट के साथ में नो बैग्स। एग्जैक्टली बट exactly. हम लोग खोलता है आस्ते आस्ते right. जैसे okay. जैसे लॉक खोलेंगे ना वैसे वैसे कपड़ा mm. निकलता है वैसे, वैसे वैसे ही ब्लेसिंग हम हम अगर फ्री विल से इसको, इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे mm. मेरे को कितना झील है प्रभु के लिए काम में दीज आर टूल्स आर टूल्स तो लाइट वाला आता है तो उसको टूल्स लगता है स्क्रू mm. ड्राइवर वैसे ही उस प्रभु के आत्मा से हमें बहुत सारी गिफ्ट है लेकिन हम कितना यूज करना चाहते हैं exactly. अभी आपका चर्च में कितना सारा इंस्ट्रूमेंट है mm. आपका आपका फैमिली mm. बहुत इसको अच्छा mm. यूज करता है बिकॉज दे नीड यू नो सी प्लग्स एंड ऑल डॉक्टर जो भी जितना भी है बटन सो दे नीड इट दीज आर टूल्स दैट्स वाई एक अच्छा क्वालिटी का एक वीडियो बनता है mm. तो वैसा ही पवित्र आत्मा भी हमें टूल्स देता है ताकि हम उसके किंगडम में काम कर यस यस सो बिफोर वी क्लोज what is the, uh, the Holy Spirit spoke to you about giving some gifts to the children, and children are very important mm, yeah. to the kingdom of God. When, yeah. when children came to Jesus, the disciples shooed them away, but Jesus said, come. Yeah, yeah. The kingdom of God belongs to children. Just tell me something about that. Yeah, we, uh, many years ago, I heard that Samaritan box, Samaritan yes. purse, uh, mm. some people sending from outside yes. for pastors and mm. uh, churches in India. सो सम पास्टर्स पास्रोच मी आल्सो मुझे hmm. बोला कि आप ये गिफ्ट ले सकते हैं लेकिन मुझे मैंने नहीं लिया था तब टाइम में और मुझे ऐसा लगा था वेन आई वॉज प्रेइंग तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि हम लोग क्यों दूसरे से क्यों लेगा बी ए गिवर प्रभु yeah. ने मुझे बोला था कि बाइबल में लिखा हुआ है लेने से देना अच्छा है है ना तो मुझे ऐसा इच्छा हुआ कि हम गिफ्ट लेने वाले नहीं हम देने वाले बने तो मैंने एक बैग बनाया प्लास्टिक का एक बैग है उस पर प्रभु का नाम है और हमने स्टार्ट किया आ, उसमें थोड़ा सा अच्छी चीज़ें डाल के बिस्किट्स चॉकलेट डाल के बच्चों के लिए हम लोगों ने देना स्टार्ट किया और मुझे इच्छा है कि हमें ये चीज़ें पूरी दुनिया तक जितना हो सके हम हम इंडिया में भी करें और दूसरी जगहों पर जहाँ भी हम कर सके जैसे आप हमारे फ्रेंड हैं आपकी है और मुझे विश्वास है कि आप भी आगे चल कर करेंगे yes. तो ऐसे yes. करते करते सारी दुनिया की चर्चे पास्टर्स एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगे एक एंकरेजमेंट है इट्स नॉट फॉर एनी एनी ऐसा कुछ लालच के लिए नहीं है लेकिन बच्चों के लिए छोटा गिफ्ट है उसमें बिस्किट्स है चॉकलेट्स है इससे बच्चे इंकरेज होते हैं यू नो बच्चे को एक छोटा बिस्किट भी दोगे एक चॉकलेट दोगे यू विल बी हैप्पी तो हमारा काम है दूसरों को खुश करना तो हम बच्चों के लिए इसलिए देते हैं कि हम बच्चों को दें हम लेने वाले नहीं हैं हमें प्रभु ने बहुत दिया है प्रभु ने जिसको दिया है तो हमें उसको देना है इट्स सिंपल थिंग ये अपनी अपनी मर्जी है किसी mm. पर फोर्स भी नहीं है आपकी अपनी इच्छा है अगर आपको इच्छा है आपको जैसे मन में लगा mm. कि मैं मुझे yeah. भी अच्छा लग रहा है मैं करूँगा और आपने किया भी स्टार्ट mm. भी कर दिया राइट सो दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड सो वीव रिसीव आवर चर्च ऑन संडे एंड इन फाइनल ऑल व्हाट वी डिस्कस टुडे वाज जस्ट टू रीच इनटू योर हार्ट्स Jesus is knocking at the door of your heart Amen. and he's interested in coming into your life. If you believe that Jesus is the Son of God, you shall be saved. If you believe that Jesus died for you and he rose again, you shall be saved. And Jesus said in his word, And if you believe in me, you and your household shall be saved. It's a blessing upon the entire household so thank god for his good gift that he has salvation is a gift of god the wages of sin is death but the free gift of god is eternal life through jesus christ so today even as we have discussed about the love of jesus what jesus has done to us what he has done for one he can do for anybody Amen. so maybe you are today watching this program by accident you just on this thing and you're watching and you're saying what is all this? What am I hearing? Mm. You're hearing about the love of Jesus Christ. Yes. Nothing but the love of Jesus. What Jesus did for both of us and our families and the people in the church and whom we witness to. Today we are witnesses. We too are witnesses standing Amen. On, uh, right before these cameras and through the airwaves, you're getting the message. Wherever you are in your, in your comfort zone, you're just watching on, on, a, on a mobile phone. The Spirit of the Lord is moving into your life and He can touch you and bring a blessing into your life. Today is a day of salvation. Don't, mm -hmm. don't prolong and don't, try to, don't procrastinate and say maybe not today or oh, maybe tomorrow, but today is a day of your salvation. Say, Lord Jesus, come into my life. Jesus I believe in you. It's a very simple prayer that we make. That's what we did. We didn't have to say God I'm going to stop this. I'm going to stop this. I'm going to I'm going to I'll finish everything that I have to do and I'll I'll come to you. He says, "No, then you don't need a savior. We need a savior because we have nothing. We can do nothing about ourselves. God loves you." That's the message today. This is the power of the Word of God that can change your life and bring you to the very purpose of God for living. As Pastor Dinesh said, I, I was living a purposeless life, but now I have a purpose for living. I mean, we, we, we have all kinds of thoughts coming into our mind, but today, Christ Jesus has sent us the message, and He's willing to release you from any bondage. Receive Him as your Lord and Savior

ऐसे कई भाइयों के पास बहनों के पास हमारे मैसेज पहुंच रहा है जिन्होंने शायद जीसस के बारे में नहीं जाना हमारी एक रिक्वेस्ट है आ, कि आप यीशु को टेस्ट करके देखो देखिए मिठाई की दुकान में मैं भी जाता हूँ एक मिठाई चाहिए होती तीन मिठाई टेस्ट करता हूँ क्योंकि फ्री है राइट सो so, आप टेस्ट कीजिए टेस्ट इज फ्री आप टेस्ट कीजिए इस जीजस को आपको ज़रूर जीवन में अच्छा लगेगा और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको ज़रूर खुद दिखाएगा क्योंकि इसकी स्टाइल है वो आपको अपने भाषा में समझाएगा Uh, कि आप क्या करो क्या नहीं करो तो आप हमारी बातों पर नहीं लेकिन आप खुद ट्राई कीजिए चेक कीजिए और प्रभु की भलाई को देखिए गॉड ब्लेस यू प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है इस चांस को खोइएगा मत ऐसा ना हो कि आगे चांस ना हो लेकिन आ, आज अगर आपके पास वचन आया है गौस आया है तो आप जरूर इसको टेस्ट करें और प्रभु आपको आशीष करेगा कोई फोर्स नहीं है आपको बिलीव करना ही है आपकी अपनी मर्जी है फ्री विल है आप अपनी मर्जी से विश्वास करके आशीष पा सकते हैं गॉड ब्लेस यू आई एम दुआ करते हैं पिता शुक्र करता हूँ थैंक यू जीजस फॉर एवरी थिंग लॉर्ड थैंक यू फॉर पास्टर मनु एंड हिज फैमिली थैंक यू सो मच फादर आज आपने हमें मौका दिया कि आज हम आपके गॉस्पल को लोगों तक बचाएं, बताएं और गवाही बताएं। मैं आपका शुक्र करता हूँ बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका अनुग्रह सब पर बना रहे ब्लेस कर जिन्होंने आज वचन सुन रहे हैं इनके जीवन को बचाना बुराई से बचा के रखना इन्हें आशीष करना इनके कंट्रीज को इनके नेशंस को ब्लेस करना पिता इनके फैमिलीज को ब्लेस करना yes. आशीर्वादित करना पिता हमारे देश के सारे नेताओं को सारे लोगों को ब्लेस कर पिता प्रभु श्रीलंका को इनके नेताओं को इनके नेशंस को ब्लेस कर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen, And see that the Lord is good. Psalm 34, verse 8. Yep. That's what Pastor said. God bless you.